दोस्तों, आज की उर्दू डिक्शनरी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ लफ्ज मंतिक, मुनज्जब और मुनजबित। शुरुआत करते हैं लफ्ज मंतिक से। मंतिक का मतलब है इल्म इस्तदलाल, दलील व हुज्जत, फसाहत, माकूल और मौसर गुफ्तगु, अमली दलीलों से इस्तदलाल के कायदों और जाबितों का इल्म, वाक्य शक्ति जिसे हम वाक्य पटुता भी कहते हैं, वार्ता वाद विवाद से तर्क करना, आर्टिकुलेशन, डिस्कोर्स, लॉजिक और रीजनिंग, ये अंग्रेजी में इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, ऐसी मंतिक से तो दीवानगी बेहतर अकबर कि जो खालिक की तरफ दिल को झुका ही ना सके। अगला लफ्ज है मुनज्जम। मुनज्जम का मतलब है निज़ाम के तहत, निज़ाम से ही बना है मुनज्जम, बाकायदा, मुरतब, तंजीम से, तरतीब दिया हुआ, मुत्तहिद, इकट्ठा और मुत्तफिक के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। हिंदी में संगठित, सुनियोजित, क्रमबद्ध, क्रियागत, धागे या लड़ी में पिरोया हुआ, लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए एकत्र करके उन्हें नियमों पर चलाने वाला। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, मेथोडिकल। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, रहती दुनिया में इश्क की दुनिया नए उनवान से मुनज्जम है। उसके बाद अगला लफ्ज है मुनजबित। मुनजबित जाब्ते से बना है जिसका मतलब है बजाबता, बाकायदा, मुरतब, तयशुदा, जाब्ते में लाया हुआ, काबू में किया हुआ, मजबूत, मुस्तहकम, पुख्ता, मुकम्मल, मरबूत, पेवस्ता और मुलहिक। हिंदी में नियमित, विनियमित, संपादित, निर्णित, संविदा, नियम, सुगठित और सुसंबद्ध जैसे शब्द इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी में कॉम्पैक्ट, कन्फिस्केटेड, रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, डिटरमाइंड, ओवरलैपिंग और गाइडेड जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। एजाज अफजल का शेर है, तुम्हारे दौरे मुसलसल की मुनजबित तारीख हमारे रक्से मुसलसल की एक कड़ी होगी। तो दोस्तों, इसी शेर के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।